Hello everyone, my name is Srishti and welcome back to my channel. So as you already read by the title, hum kya karne wale? We gonna try and test the Zodio makeup. मैंने जैसे देखा वहाँ पे makeup आया, so I think why not मैं लूँ. And ये सारे makeup products are so inexpensive, like so not cheap, मतलब बहुत सस्ते हैं. हम आपके सामने ही ट्राई करेंगे एंड देखेंगे ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करते हैं. और कुछ ज़्यादा नहीं मिला मुझे, तो जो जो मिला मैं आपको बताते जाऊंगी. आपको ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इग्नोर करनी है, जैसे कि नॉइस, जैसे कि मेरे नेल्स दे आर सो बैड राइट नाउ और मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ. एंड येस, और फर्स्ट टाइम मैं कुछ यहाँ पे शूट कर रही हूँ बिकॉज नेचुरल लाइट में मुझे शूट करना था और आपको बताना था कि अब से मैंने सोचा है कि मेकअप मैं नेचुरल लाइट में शूट करूँगी. जितना हो सके आई विल शूट इन नेचुरल लाइट्स. एंड येस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो. एज यू कैन सी आई ऑलरेडी प्रेप्ड माई स्किन यूजिंग दिस फेस सिरम एंड द मॉइस्चराइजर एंड फॉर द प्राइमर. सो वी डोंट हैव एनी प्राइमर और मॉइस्चराइजर, सो मैं मेरा रेगुलर प्राइमर यूज करूँगी. और मैंने किसी और के पास भी ऐसे Zodio मेकअप ऐसे वीडियो अभी तक शायद नहीं दिखा है. जस्ट मैंने एक रील देखी थी और मैं जो Zodio में गई थी वहाँ पे मैंने देखा नहीं, इतने ज़्यादा कुछ वेराइटीज़ नहीं थी जितना मैंने वो रील में देखा था. उसमें बहुत कुछ लाइक लिपस्टिक के शेड्स और थे और वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा ब्राइट शेड्स बहुत थे, लाइक रेड, पिंक और नहीं, मैं बोली नेचुरल लुक के लिए ये शेड्स तो नहीं जाने वाला है, सो वो मैंने नहीं लिया. बट आई डू हैव ए लिपस्टिक, अभी मुझे पता नहीं वो कैसे वर्क करेगी, बस मैंने नाम देख के एंड शेड देख के ले लिया बिकॉज उसका टेस्टर भी नहीं था. सो येस, एंड हमारी स्किन, हमारा फेस प्राइम हो चुका है. नाउ वी जंप इन टू आर बेस. ओके, फॉर द बेस वी हैव द Zodio बीबी क्रीम. ओके, सो इसमें और भी डिफरेंट शेड्स थे, आप शेड्स देख सकते हो. एंड आई चूज 03 हेजल. 02 भी मेरा शेड था बट आई वेंट फॉर लाइक थोड़ा सा डार्क फाउंडेशन एंड इट्स जस्ट रिटेल फॉर 199 रुपीज़. मैं प्राइस यहाँ पे मेंशन कर दूंगी शेड के साथ. और पैकेजिंग आप सारे प्रोडक्ट्स के देखोगे वाइट है, सो बहुत अच्छा है, मतलब जल्दी से ख़राब भी हो सकता है बट बहुत प्यारा एंड क्यूट है. सो लेट्स जस्ट टेस्ट इट आउट. पहले मैं अच्छे से शेक करूँगी और मैं थोड़ा सा मेरे हाथ के पीछे लूँगी. एंड ये डार्क है, मुझे पता ही था ये डार्क ही रहेगा और मैंने बहुत अच्छा एक फुल पंप टाइप लिया है. और जो 02 था वो मेरा परफेक्ट शेड था बट वो लाइटिंग में ज़्यादा डार्क दिख रहा था. एंड वहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर भी है उनके पास बट आई डोंट थिंक कि वो मुझे परचेज करना चाहिए बिकॉज मैंने लिया, मतलब जैसे मैंने ऐसा पकड़ के देखा आई थिंक वेस्ट ऑफ मनी है क्योंकि बहुत हार्ड था वो. सो मैंने बोला क्यों ही लूँ, पैसा वेस्ट करूँ जो मुझे पता है कि वो अच्छा नहीं है. ओके, सो मैं हाफ ऑफ साइड माय फेस पे मैं लगाऊंगी. दिख तो सही रहा है शेड, लेट्स सी ब्लेंड करने के बाद कैसा लगता है. एंड मैं एक बार मेरे हाथ से ब्लेंड करके देख रही हूँ. ओके, दिस फेस पे लगते ऐसा लग रहा है वाटर नॉट मतलब फैल रहा है. आई डोंट थिंक, लेट्स मैं ब्रश से ही ट्राई करती हूँ ब्लेंड करना इसको. आई थिंक ब्यूटी ब्लेंडर, वी नीड ब्यूटी ब्लेंडर. और ओके, आई थिंक दिस इज माय परफेक्ट मैच. या एज यू कैन सी डिफरेंस तो है, ऐसा नहीं मैं नहीं बोलूँगी कि इसने कुछ भी मुझे कवरेज नहीं दी, कवरेज है बट ये लाइक एवरीडे सॉर्ट ऑफ इट्स ए बीबी क्रीम, इट्स नॉट ए फाउंडेशन एंड इट डजेंट क्लेम एनीथिंग. मे बी मैंने देखा भी नहीं कुछ लिखा है कि नहीं. वेट, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप बीबी क्रीम एंड या इट्स क्लेम नथिंग. सो आई गेस, और आई हैव ड्राई स्किन तो ये मुझे ड्राई भी नहीं कर रहा है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, लाइक शाइन नहीं कर रहा है. सो या अच्छा है. मैं दूसरे साइड भी ये लगाऊंगी और घर पे खाना भी बन रहा है तो
और ये टीका एक्चुअली ये मेरा कल हमने जो दिवाली की पूजा की उसका वो अभी तक निकल ही नहीं रहा है, सो इग्नोर वो भी। हमारा लाइफ फ्लक्चुएट हो रहा है एंड फॉर कंसीलर सो वी डोंट हैव कंसीलर, सो हम इसको ही और अच्छे से मतलब और एक फुल पंप लूँगी। ओ बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, और हम ट्राई भी करते हैं इसको थोड़ा बिल्ड करने के लिए, बट एज यू कैन सी बहुत अच्छी, लाइक आई लाइक इट। मुझे क्योंकि ज़्यादा बेस लगाना पसंद नहीं है, जिसको भी पसंद नहीं है आप ये बीबी क्रीम ट्राई कर सकते हो एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है, ईजीली ब्लेंड हो रहा है लिया एंड आई लव इट। आप कोई भी मेरे शेड में हो लाइक 128 220 मेबलिन के, सो यू कैन ट्राई दिस एंड आई रियली लाइक इट। मुझे लगा था मतलब मैंने वहाँ पे स्वॉच किया था बट मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा ये दिखेगा। सॉरी, आई थिंक आई लव द फिनिश बाय द वे, मैंने बहुत ले लिया है। सो अगर मैंने ले लिया है तो हम ट्राई करके देखते हैं कि ये बिल्डेबल है कि नहीं है। ओके सो एज यू कैन सी इट इज ए बिल्डेबल, मैंने यहाँ पे दिखा था, आप डिफरेंस देख सकते हो, विजिबल डिफरेंस एंड आई लव इट। इफ यू वांट कि मैं कंपैरिजन करूँ पॉन्स बेबी क्रीम एंड जोडियो बेबी क्रीम, बिकॉज पॉन्स की बेबी क्रीम भी मुझे बहुत पसंद है एंड शायद ये उससे ज़्यादा, पॉन्स की बेबी क्रीम में ज़्यादा कवरेज है, वो मुझे पता नहीं फाउंडेशन जैसा ही लगता है। सो येस वी गोन ट्राई, वो भी हम करेंगे। सो एंड आई लव इट एज यू कैन सी। अभी हमारे पास प्रोडक्ट है हाथ में तो हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम उसको नेक पे भी लगाएंगे। मैं बहुत हर मतलब इफ़ आपको लगता है कि मैच नहीं है तो प्लीज़ आपके नेक तक और यहाँ भी ब्लेंड करो एंड आई लव इट, आई लव द फिनिश यू डूड। ये ज़्यादा आई प्रेफर थोड़े वॉर्म अंडरटोन लाइक येलो अंडरटोन में फाउंडेशंस, बट या इट्स लुकिंग प्रीटी, सो आप बाय कर सकते हो और ये बहुत अफोर्डेबल है और आपको इसमें 25 ग्राम मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है और बहुत टाइम तक चलने वाला। आप कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग, डेली बेसिस, आपको ज़्यादा बेस लगाना नहीं पसंद, यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट। येस एंड या सो नेक्स्ट वी हैव द जोडियो लूज पाउडर एंड इट इज़ अ ट्रांसलूसेंट पाउडर, इट्स इज फिनिशिंग पाउडर एंड इसमें कोई कलर नहीं है और एज यू कैन सी इसको मैंने यूज़ किया है। थोड़ी सी मैसी पैकेजिंग है सी, बट वी गन वर्क विद दिस एंड और ये पाउडर आई टेल यू, ब्रश लूँगी जैसे मैं लगाती हूँ एंड मैं ब्रश पे लूंगी फिर कैप में निकालूंगी एंड थोड़ा थोड़ा करके मैं अप्लाई करूंगी एंड मैं नहीं बोलूंगी, आप विजिबल रिजल्ट देखना। अभी किसको करना है एंड ओह एज यू कैन सी इट डायरेक्ट ब्लर्ड आउट ऑल दी शाइन, ऑल दी ऑयल जो भी मेरे फेस पे था एंड द ये पाउडर है इतना फाइन लाइक इतना सॉफ्ट है ना लाइक आपके स्किन में बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसको लिटरली मेरे मेबलिन के फिट मी के लूज पाउडर से कंपेयर करूँगी, कंपेयर नहीं करूँगी, बहुत अच्छा है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी, मैंने मेरे शोज में यूज़ किया, शूट में यूज़ किया इसमें, दिस इज़ अ स्वेट प्रूफ पाउडर और इसने थोड़ा भी क्रीज नहीं किया और मेरी इतनी ड्राई स्किन है ना कि मुझे बहुत जल्दी क्रीसेस और वो सब आ जाते हैं, बट इसके वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरे हमारे मेकअप लाइक हम 12-12 घंटे फेस पे रखते हैं, 12 घंटे से भी ज़्यादा और नो टच अप, लाइक कैन यू बिलीव नो टच अप,
मेरा मेकअप वैसे का वैसा ही था थ्रू आउट डे. वैसे तो आई डोंट लाइक मैट फेस, जैसे आपको पता होगा इफ यू आर फॉलोइंग मी. सो बट एज यू कैन सी माय फेस इज लुकिंग प्रिटी एंड ब्लोड, वेरी स्मूथ. वाओ, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट. थम्स अप. हैव आईब्रो कॉन्टोर, कुछ भी नहीं है. ओ शिट, ब्लश के लिए तो कुछ नहीं था, सो मैंने ब्लश के लिए ये लिपस्टिक ली. दिस इज द लिपस्टिक एंड लुक एट द पैकेजिंग अगेन, वाइट, बहुत क्लासिक है. एंड दिस रिटेल फॉर ओनली 99 रुपीज, कैन यू बिलीव, 99 रुपीज. एंड दिस इंडी शेड एस्प्रेसो ब्राउन, मैंने पहले के वीडियो में एक्सप्रेसो बोला बट दिस इज एस्प्रेसो ब्राउन, ब्राउन शेड है. एंड देखते हैं इससे हमारा ब्लश होता है या कॉन्टोर होता है. मैंने एक्चुअली वो टाइम मुझे पिंक लिपस्टिक ले रही थी, सो मैं ब्लश नहीं था तो मैं ब्लश एज अ ब्लश भी यूज़ करूँ, बट कुछ नहीं हो रहा है, ये खुल नहीं रहा है. सो टाइम जाएगा, टाइम जाएगा गाइस, निकल गया. एंड दिस शेड, ओ माय गॉड, आई थिंक कि ये कुछ नहीं होगा इससे हमारा. ओ ओ लुक सो प्रिटी, इससे मुझे नहीं लगता कि हमारा कुछ होने वाला है. आई गेस आई शेडो हो जाए तो ठीक है. सो मैं इसको थोड़ा सा मेरे हाथ पे लूँगी एंड आई लिड पे ऐसे लगा दूँगी, थोड़ा सा क्रीज बना के थोड़ा सा कलर दिखे आई लिड पे, इसलिए. एंड आई एम ब्लेंडिंग दिस आउट विद माय फिंगर्स ओनली. बहुत अच्छा कलर लग रहा है, वेरी नेचुरल. सो आई थिंक इसमें और भी शेड्स है, सो यू कैन ट्राई दैट. ओ सी, वी कैन यूज एज ए ब्लश. मैं ले रही हूँ और इसमें ना जो शेड्स मुझे पसंद आए उसके सिर्फ टेस्टर्स थे. नाइस, ये शेड भी बहुत प्यारा लग रहा है. आप इफ़ यू आर बिगनर गो विद दिस, ज़्यादा मत सोचो एंड जस्ट बाय. सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं. जैसे हमको पता है कि हम क्रीम पाउडर प्रोडक्ट्स के ऊपर हम क्रीम प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड नहीं होते, बट एज यू कैन सी ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं. ओ माई गॉड, मैं थोड़ा यहाँ पे भी लगा दूंगी. एंड यस, आई लव इट ऑलरेडी, इट लुक्स सो प्रीटी. वी हैव दिस जूडियो मास्कारा, और इसमें भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेड्स थे बट आई चूज ब्लैक वन. एंड इसकी प्राइस अगेन 199. मतलब मैं ट्राई करूँ एज अ ब्राउ जेल यूज करूँ. न्यू न्यू मेकअप ट्राई करना लाइक वाओ, मतलब खुद को भी मजा आता है, न्यू कलेक्शन भी हो जाता है और नया नया प्रोडक्ट्स होते हैं तो ट्राई करने अच्छा लगता है. तो इससे से जल्दी जल्दी वीडियो भी बनाओ हमारा लाइफ. यस, एक्चुअली ये मैंने वहाँ पर ट्राई किया है, सो आई नो कि हाउ इट परफॉर्म्स. एंड इट्स ब्लैक मस्कारा, ब्लैक जैसे कि मैंने बोला सर शेड्स है. लुक एट द बॉटल, बहुत क्लासिक पैकेजिंग में इन लोगों ने रखा है. सो यस, एंड ये देख सकते हो बहुत क्लीन है. एंड बॉन्ड कुछ ऐसा बॉन्ड है. एंड पहले मैं आई विल ट्राई ब्राउन को. ओके, as you can see it's so looking pretty. oh wow. so abo kya karna hai, aap agar isse aise use kar rahe ho bahut light pressure dena hai, bahut light. iske bristles hai jo bahut smooth hai, mujhe bilkul bhi aisa laga nahi ki main laga rahi hu kuch, bahut hi zyada smooth. wow, i think mere best makeup purchases hai बिकॉज ये बहुत अफोर्डेबल है. लाइक हमारा जो हमने दूसरे प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किया है, सो वो मैंने लोगों के रिव्यूज़ देखे. आई थिंक इसका रिव्यू अभी तक तो मैंने किसी के चैनल में नहीं देखा, सो आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज़
trying the product. But yeah, and I love it. And for eyes, as I said, we don't have any eyeshadow palette, so we have the Zudio eyeliner. वहाँ पे काजल्स भी थे, but मैंने सोचा मैं काजल नहीं, but मैं liner लगाऊंगी. And we got in the color green, क्योंकि मेरे पास ब्लू है, मेरे पास ब्लैक है, ब्राउन मुझे चाहिए नहीं था. मतलब मुझे कुछ नया कलर ट्राई करना था, और रेड भी था, बट रेड इतना मुझे अच्छा नहीं लगा. मतलब इतना शो नहीं करेगा, बट लेट्स ट्राई. एंड दिस लाइनर इज रिटेल फॉर ओनली 99. मतलब क्या ही चाहिए आपका, मतलब पूरा किट हो सकता है 1000 rupees के अंदर. एंड लुक एट द पैकेजिंग, मतलब जो कलर का लाइनर आपको वो कलर का टिप मिल रहा है. एंड ओके सॉरी वेट, कहाँ से होगा, ओके ये कलर है, एंड दिस इज द कैप. और मैं स्वॉच बता देती हूँ आपको, सो पिगमेंटेड. यस सो पिगमेंटेड. अभी मुझे देखना है ये वाटर प्रूफ है या नहीं, स्मच प्रूफ. और टिप भी एज यू कैन सी बहुत थिन है, मतलब आप उसको अच्छे से बैंक बना सकते हो, और पकड़ने के लिए होल्ड भी बहुत अच्छा है. बट एज मतलब मैं जल्दी से इतनी बड़े टिप प्रेफर नहीं करती हूँ. सो लेट्स थोड़ा उसको ड्राई होने देते हैं, एंड देन आंखों पे लगाएंगे, वरना मेरी मूवमेंट तो इतनी ज़्यादा होती है कि यस. और मैं ये तो कैमरे में देख के नहीं लगा सकती, सो मुझे मिरर तो चाहिए. एंड ये ना मुझे ये कलर जो पेंट नहीं होते वैसा लग रहा है, सो ओके. मुझे नहीं लग रहा, टाइम लग रहा है इसको सूखने, सो मैं डायरेक्ट लाइनर लगाऊंगी. बहुत सिंपल सा लाइनर लगाऊंगी, बहुत फंकी कुछ नहीं कर रही हूँ. सो थोड़ी से वियर्ड इश मेरा मुंह लगेगा, बट इग्नोर. दिख रहा है, दिख रहा है. As you can see, it's looking pretty. See? Pretty. So, मैं दूसरी आईज ऑफ कैमरा करके जल्दी जल्दी से आती हूँ, ओके. एंड आई एम बैक, एंड लुक एट माई लाइनर. सो फर्स्ट थिंग इज कि लाइनर वाटर प्रूफ नहीं है, लाइक वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ. आप जैसे लगाओगे, आप तुरंत अगर खराब हुआ तो, जैसे मेरा हुआ तो मैं इसे साफ कर सकती हूँ, बट इसको बहुत अच्छे से लाइक आपको रब करना पड़ेगा. तो स्मच प्रूफ लाइनर इज अ स्मच प्रूफ. I guess pretty good. और क्या ही बोलूँ, अच्छा तो लग रहा है. एंड फटाफट हम करेंगे हमारा मस्कारा. एंड वेयर इज माई मस्कारा. सो द मस्कारा इज सो गुड, सो गुड. पूरा हाथ मेरा कलर कलर हो गया, बट या मस्कारा इज नॉट वाटर प्रूफ अब, और अच्छा भी है. अब सी फर्स्ट लुक, oh my god, wow, see, ये मैंने वहां पे ट्राई किया था ऐसे ही, एंड इससे लैशेज आपके इतने खूबसूरत लगते हैं. एज यू कैन सी डिफरेंस, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत नेचुरल है. लुक एट माई लैशेज ब्रो. मैं इसको थोड़ा ड्राई होने देती हूँ, और फिर हम सेकेंड लेयर भी लाइक सेकेंड कोट भी करके देखते हैं कि ये ऐसे क्लम्प हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो तब तक हम लगाएंगे हम लिपस्टिक. सो वेयर इज इट, ओके यहीं है. सो अभी हम लिपस्टिक लगाएंगे, एंड आई लव दिस शेड लिपस्टिक. इट्स नॉट वाटर प्रूफ और मैट, और इट इज़ अ लाइक नॉर्मल विलेट लिपस्टिक. लिपस्टिक गाइस, एंड हम ट्राई करेंगे अगेन सेकेंड लेयर लगाना. एंड मुझे सिर्फ ओके, सो ये बिल्कुल भी क्लम्प तो नहीं हो रहा है एज यू कैन सी. एंड ये और बेस्ट भी हो गया, लाइक बहुत लेंथनिंग, वॉल्यूमिनाइजिंग सब कुछ हो गया है. एंड मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी ये आईज में, एंड आई एम इन लव, क्योंकि मेरे पास इतने सारे मस्काराज हैं. और वो एक्चुअली धूप चली गई, इसके लिए निखार भी चला गया है. मैं ये ट्राई करती हूँ, चालू करना. यस नाउ एज यू कैन सी माई मेकअप इज डन, एंड सेटिंग स्प्रे. बहुत गंदा था,
बट वेट ओ लग गया नीचे, जैसे मैंने वो वाटर प्रूफ नहीं है तो स्प्रे लगते ही ये निकल गया। हम कुछ तो करेंगे इसके लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ इसको फिक्स नहीं कर सकती हूँ। एंड बहुत नेचुरल फिनिश है, बहुत अफोर्डेबल है। आप डेली बेसिस पे आपको मेकअप करना है, आपको मेकअप करना ज़्यादा पसंद नहीं है, सो यू कैन ट्राई ज़ूडियो मेकअप, बहुत अफोर्डेबल भी है। और आप उसको पिंक लिपस्टिक, मतलब लिपस्टिक ज़्यादा आप ले लो, कलरफुल लाइनर्स ले लो, आप उससे कलरफुल लुक्स कर सकते हो। एंड येस, आपको ब्राउज, आप ब्राउन मस्कारा भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि मैंने यूज़ किया ब्लैक वाला, क्योंकि मेरी ब्राउज ब्लैक है, दैट्स व्हाई। एंड येस, एंड आई लव द लुक, आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। ये बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है, सो आप कोई भी, मतलब कोई भी रहेगा, स्कूल गोइंग गर्ल, ये उनको मेकअप करना, मैं स्कूल में मेकअप करना बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रही हूँ आपको, मतलब आपको बाहर जाना हो, कॉलेज हो, यहाँ वहाँ जो भी है, आपको मेकअप आता हो नहीं आता, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, बिल्डेबल है, आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, यू गना लव दिस प्रोडक्ट्स। So yeah, I hope you all enjoy this video, love this video. If you do, so do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye.